यूपी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले योगी सरकार ने गुरुवार को 7 आईपीएस के बाद 13 आईएएस अफसरों के तबादले किए। स्थानांतरण सूची में अयोध्या के कमिश्नर व 5 जिलों के जिलाधिकारी शामिल हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, अमेठी और शाहजहांपुर में नए जिलाधिकारी को तैनात किया गया है। अयोध्या मंडल के आयुक्त एमपी अग्रवाल का भी तबादला किया गया है। एमपी अग्रवाल का नाम रामनगरी अयोध्या में जमीनें खरीदने के मामले में आया था। उन्हें देवीपाटन मंडल का आयुक्त बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक नवदीप रिनवाव को अयोध्या मंडल का आयुक्त तैनात किया गया है। डीएम अमेठी अरुण कुमार को डीएम मऊ के पद पर भेजा गया है। विशेष सचिव खाद्य एवं रसद राकेश कुमार मिश्र अब डीएम अमेठी होंगे। डीएम आजमगढ़ राजेश कुमार अब मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर होंगे। मुख्य सचिव के स्टाफ अफसर अमृत त्रिपाठी को डीएम आजमगढ़ के पद पर भेजा गया है। डीएम बलिया आदित्य सिंह को अपर आयुक्त वाणिज्य कर बनाया गया है। डीएम शाहजहांपुर इंद्र विक्रम सिंह को अब डीएम बलिया होंगे। निदेशक भूम अध्याप्ति राजस्व परिषद के पद पर तैनात रहे उमेश प्रताप को डीएम शाहजहांपुर बनाया गया है। इसी के साथ पोस्टिंग का इंतजार कर रही प्रेरणा सिंह को सीडीओ हापुड़ बनाया गया है। डीएम मऊ रहे अमित सिंह बंसल को विशेष सचिव नगर विकास तथा मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के पद पर भेजा गया है। ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण के परियोजना प्रशासक श्रीहरि प्रताप शाही को विशेष सचिव नियुक्त एवं कार्मिक के पद पर तैनाती दी गई है। आगरा में तैनात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लक्ष्मी एन को इसी पद पर कानपुर भेजा गया है।